हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में हमने आपको कल मिसिंग नंबर के पांच महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे तो आज भी रीजनिंग में मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे देखिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि रीजनिंग में मिसिंग नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो हम हर वीडियो में पांच पांच क्वेश्चन आपको देते रहेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला क्या है लुप्त संख्या ज्ञात करना है ठीक है क्या करना है लुप्त संख्या ज्ञात करना है और लुप्त संख्या हमारे यहीं पर है इसी को हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन में क्या दिया है आठ सत्ताईस चौंसठ एक सौ पच्चीस दो सौ सोलह दो सौ सोलह दिया हुआ है ठीक है तो इसमें क्या करें इनमें इन सभी में क्या करें कि हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई एक ऑप्शन आ जाए देखिए दोस्तों आठ आपको क्या लग रहा है सत्ताईस और चौंसठ एक सौ पच्चीस दो सौ सोलह आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा देखिए दोस्तों आपको पता होगा दो का घन दो का घन कितना होता है दोस्तों आठ होता है ठीक है कितना होता है दो का घन आठ होता है और तीन का घन कितना होता है तीन का घन सत्ताईस होता है तो देखिए दोस्तों आठ दो का घन है और तीन सत्ताईस का घन है और चार का घन क्या होता है चार का घन होता है चौंसठ देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है चौंसठ और पाँच का घन क्या होता है एक सौ पच्चीस और छः का घन क्या होता है दो सौ सोलह देखिए दोस्तों एक क्रम है बा तीन चार पाँच छः तो ये किसका घन होगा सात सात का घन कितना होता है तीन सौ तिरालीस ठीक है दोस्तों कितना होता है तीन सौ तिरालीस ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तीन सौ तिरालीस तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कराया क्यों देखिए आठ दो का घन है देखिए दोस्तों आठ दो का घन है और सत्ताईस तीन का घन है और चौंसठ चार का घन है और एक सौ पच्चीस पाँच का घन है और छ छः का घन दो सौ सोलह है और सात का घन क्या है तीन सौ तिरालीस तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा से हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या करना है इसमें भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है ठीक है लुप्त संख्या हमारा यहीं पर है इसी को हमें सोल्व करना है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है देखिए दोस्तों पहले पहले में कितना दिया है इक्कीस इकतीस ठीक है और दूसरे में उनतालीस छियालीस तीसरे में सोलह तिरासी तो हमें क्या करना नीचे वाली संख्या को ज्ञात करना है ठीक है दोस्तों क्या करना नीचे वाली संख्या को ज्ञात करना है क्योंकि मिसिंग नंबर हमारे नीचे वाली संख्या है तो क्या करें कि इन दोनों में जो ऊपर संख्या दी हुई है इन दोनों में कुछ ऐसा करें कि हमारे नीचे वाली संख्या आ जाए तो क्या करते हैं पहले इन्हें जोड़ लेते हैं देखिए दोस्तों अगर 21 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बावन हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बावन दिया हुआ है ठीक है तब उसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं देखिए क्या कितना दिया है उनतालीस और छियालीस इनता उनतालीस और छियालीस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पचासी हो जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर भी पचासी दिया हुआ है यानी कि ये स्टेप बिल्कुल सही है यही स्टेप सब में फॉलो करेंगे तो देखिए दोस्तों सोलह और तिरासी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा निन्यानवे आ जाएगा ठीक है दोस्तों कितना आ जाएगा निन्यानवे आ जाएगा किस ऑप्शन में दिया है निन्यानवे ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेव हो जाएगा आप सोलह और तिरासी को जोड़ के देख सकते हैं कितना आएगा निन्यानवे ही आएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी हमें क्या करना है मिसिंग नंबर याद करना मिसिंग नंबर हमारे यहीं पर है इसी को हमें सोल्व करना है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं में से एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है देखिए दोस्तों इसे कैसे देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमने आपको पहले ही बताया था पार्ट नंबर वन में मिसिंग नंबर के पार्ट नंबर वन में ठीक है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों हमें क्या करना है बीच वाली संख्या को ज्ञात करना है ठीक है तो और क्या ये चार चार और संख्याएं दी हुई हैं तो इन्हीं चारों में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे बीच वाली संख्या है तो पहले इसे सॉल्व करते हैं जिस टाइप से इसे सॉल्व करेंगे इसे भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे ठीक है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर चार दिया है सोलह दिया है पच्चीस दिया है नौ दिया है अगर इन चारों को हम ऐड कर लेंगे तो चौदह आएगा नहीं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आएगा तो पहला स्टेप तो गलत है जोड़ नहीं सकते अगर हम इसे घटाएँगे मान लीजिए कि सोलह में से चार घटाएँगे तो कितना आ जाएगा बारह आएगा फिर बारह में से हम क्या करेंगे नौ को घटाएँगे तो आएगा ठीक है दोस्तों कितना आ जाए तीन आएगा अब हम क्या करेंगे तीन को पच्चीस में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा इक्कीस आएगा यानी कि ये भी स्टेप बिल्कुल गलत है ठीक है यहां पर कितना आना चाहिए चौदह यहां पर कितना आ रहा था इक्कीस गलत है तो, ये भी तो अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों ये चार। चार क्या लग रहा है आपको चार दो का वर्ग है कि नहीं दोस्तों चार दो का वर्ग है कि नहीं बताइए है ना तो अब क्या करेंगे दो का वर्ग चार है ठीक है तो दो हो जाएगा और देखिए सोलह किसका वर्ग है वो चार का वर्ग है ठीक है दोस्तों सोलह चार का वर्ग है और नौ किसका वर्ग है तीन का वर्ग है कि, किसका वर्ग है तीन का पच्चीस किसका वर्ग है पाँच का वर्ग है तो अब क्या करेंगे इनका वर्ग निकालें तो कितना आया दो आया इसका चार इसका तीन इसका पाँच ठीक है तो अब इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं ठीक है दोस्तों कितना है दो है और चार इसका हमने वर्ग निकाला तो कितना आया दो आया चार आया तीन आया पाँच आया ठीक है अब क्या करेंगे इसे आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा तो देखिए दोस्तों बीच वाली संख्या आ गई ठीक है क्या आ गई बीच वाली संख्या आ गई उसी पर का इसे सॉल्व करेंगे देखिए नौ का वर्ग क्या होता है तीन ठीक है दोस्तों क्या हो गया तीन का वर्ग क्या है नौ है तो उनचास का वर्ग कितना होगा सात होगा ठीक है दोस्तों और छत्तीस का वर्ग कितना होगा सॉरी छः का वर्ग छत्तीस है ठीक है दोस्तों और एक का वर्ग चाहे कितना भी हो उसका मान हमेशा एक ही होता है ठीक है दोस्तों तो अब क्या करेंगे इसे आपस में जोड़ लेते हैं तो सात और तीन कितना होगा दस दस और छः सोलह और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सत्रह आने की मिसिंग नंबर हमारा कौन सा है सत्रह है ठीक है दोस्तों तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सत्रह आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में दिया है सत्रह तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सेव हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे में भी क्या करना है? हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना लुप्त संख्या हमारी यहीं पर है ठीक है ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर मिसिंग नंबर ज्ञात करना है यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है तो इकतीस यहाँ पर कैसे आया है ठीक है तो पाँच पाँच और तीन में कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर इकतीस आ जाए ठीक है दोस्तों क्या करें पाँच और तीन में कुछ ऐसा करें कि इकतीस आ जाए उसी प्रकार से हम चार और पाँच में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या आ जाएगी ठीक है दोस्तों तो क्या करेंगे तीन और पाँच में पाँच में और तीन में गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह आएगा ठीक है दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो आठ आ जाएगा घटाएंगे तो दो आ जाएगा यानी कि गुड़ा करेंगे तो पंद्रह आ जाएगा और पंद्रह में हम फिर क्या करेंगे दो से गुणा कर लेते हैं पंद्रह में दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा तीस आएगा ठीक है दोस्तों कितना आ जाएगा तीस और तीस में हम एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इकतीस आ जाएगा देखिए दोस्तों इकतीस आ गया हमने क्या किया अगर इसे जोड़ते तो आठ आता इसे घटाते तो दो आता ठीक है दोस्तों तो हमने क्या किया पाँच और तीन में गुड़ा किया तो कितना आ गया पंद्रह आया और पंद्रह में दो से गुणा किए तो तीस आया ठीक है और तीस में एक जोड़नी है तो इकतीस आ गया ठीक है दोस्तों उसी प्रकार हम इसका करेंगे चार और पाँच का इनमें क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा चार पच्चीस बीस होता है ठीक है दोस्तों कितना होता है बीस होता है और बीस में हम दो से गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे चालीस में एक जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 41 आ जाएगा इकतालीस आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा इकतालीस आने की मिसिंग नंबर हमारा कौन था इकतालीस था ठीक है दोस्तों तो किस ऑप्शन ने दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा से हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँचवा आने की आखिरी क्वेश्चन है ठीक है दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे ही बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे हमें क्या करना है मिसिंग नंबर ज्ञात करना है देखिए दोस्तों मिसिंग नंबर आने की लुप्त संख्या हमारे यहीं पर दी हुई है इसी को तो हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक दिया है तीन दिया है, दिया है नौ दिया है सत्ताईस दिया है इक्यासी दिया है थी थी तो देखिए दोस्तों um, हम एक में क्या करें कि यहाँ पर तीन आ जाए तीन में क्या करें कि नौ आ जाए नौ में क्या करें कि सत्ताईस आ जाए और सत्ताईस में क्या करें कि इक्यासी आ जाए तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक में एक में हम तीन से गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा देखिए दोस्तों हमने एक में तीन से गुड़ा किया तो तीन आ गया ठीक है अब हम सब में तीन से गुड़ा करेंगे अब तीन में हम तीन से गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा तीन तरीके नौ आ जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर नौ आ गया अब क्या करेंगे नौ में तीन से गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा सत्ताईस आ जाएगा ठीक है दोस्तों कितना आ जाएगा सत्ताईस आ जाएगा देखिए यहाँ पर भी सत्ताईस आ गया अब हम क्या कि 27 करेंगे कि सत्ताईस में तीन से गुणा करेंगे सत्ताईस में तीन से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्यासी आ जाएगा ठीक है दोस्तों अब उसी प्रकार हम इसमें किस में एक में तीन से गुणा किए तीन में तीन से गुणा किए नौ में तीन से गुणा किए सत्ताईस में तीन से गुणा किए ठीक है तो आ गया इक्यासी सब में तीन से गुणा करते चले तो हमारी संख्या प्राप्त होती जा रही है तो अब क्या करेंगे कि इक्यासी में इक्यासी में तीन से गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा दो सौ तिरालीस आ जाएगा कितना आ जाएगा दो सौ तिरालीस आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो आने की मिसिंग नंबर हमारी कौन सी है दो सौ तिरालीस है ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है वाँ? दो सौ तिरालीस और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा दो सौ तिरालीस तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में